दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि पहले टेस्ट मैच में भारत के साथ जो बेईमान अंपायर ने बेईमानी करी उन्हें सजा मिलनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत की हार देख बुरी तरीके से बौखला गए राहुल द्रविड़ और भारत के साथ हुई बेईमानी पर अब वो बॉल उठे हैं। कुछ ऐसा कह गए अंपायर से लेकर साउथ अफ्रीकी टीम पर के सुनकर हर कोई तंग है इस वक्त पर। उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, भारत के साथ बेईमानी हुई भी है या फिर नहीं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में चल रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले का अंत कुछ ऐसा हुआ है कि दूसरे मैच में अगर भारत जीत भी जाए ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि सेंचुरियन के मैदान में जीतना हर एक भारतीय फैंस का सपना भी था लेकिन खिलाड़ियों की ऐसी परफॉर्मेंस होगी किसी ने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। रोहित शर्मा की टीम को पहले बल्लेबाजी की पेशकश मिली और खुद जब रोहित शर्मा ही 5 रन पर आउट हो जाएंगे तो बाकी टीम से क्या ही कोई एक्सपेक्ट करेगा। इसके बाद दोस्तों यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल भी कुछ खास नहीं कर पाए थे पहली इनिंग्स में। हाँ विराट कोहली के 38 रन जरूर दिखे, साथ ही अय्यर ने भी 31 रन लगाए। एक जाबाज पारी बनकर खेली केएल राहुल ने जिन्होंने 101 रन लगाए थे दूसरे दिन तक। लेकिन दूसरे दिन तक जब हमारी टीम आउट हुई तो 245 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगे थे जिसे चेज कर दिया अफ्रीका के 3 खिलाड़ियों ने। एल्गर ने 185 रन ठोक दिए, बेडिंगम ने 56 तो वहीं 84 रन की नावाद पाली मार्को जेंसन ने खेली, 408 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके थे यानी कि 100 से सवा 100 रन ऊपर बन गए थे भारत के स्कोर से। इसको चेज करने के बाद दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए एक बड़ा टारगेट भारत को सेट करना था लेकिन टारगेट तो तब सेट होता जब हमारे खिलाड़ी मैदान पर टिक पाते। रोहित शर्मा तो 0 पर मैदान से बाहर चले गए, 26 रन पर शुभमन गिल, 5 पर जायसवाल, 6 पर अय्यर और 4 पर केएल राहुल। इन सबका जोड़ भी बना लेना तो 50 तक नहीं बन पाएगा। हाँ कोहली ने एक जांबाज भरी पारी जरूर खेली, 82 गेंदों में 76 रन लगाए, 12 चौके एक छक्का जड़कर, लेकिन एक पारी कोई मैच को नहीं जिता सकती। केवल 2 खिलाड़ियों को छोड़कर दोस्तों बाकी 8 में से किसी के भी रन डबल डिजिट में भी नहीं थे। भारत इस मुकाबले को 1 पारी और 32 रन से हारा है जो भारत की टेस्ट में इतिहास में सबसे बड़ी हार में से एक बन गया है और WTC के लिए एक बहुत बड़ा डिमेरिट पॉइंट भी है। खैर दोस्तों भारत तो हारा है लेकिन दोस्तों भारत भले ही हारा है परंतु कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम और खिलाड़ियों के साथ एक वक्त पर बेईमानी तो हुई है। आपको प्रसिद्ध कृष्णा का वो 12वां ओवर याद है जब डीन एल्गर 12 रन पर खेल रहे थे और दोस्तों उसी ओवर के दौरान ना एक गेंद उनके बल्ले का एज लेकर राहुल के हाथों में गई थी। DRS रिव्यू भी लिया गया था और देखा गया था कि स्निकोमीटर पर भी कि दोस्तों बल्ले पर गेंद लगी है परंतु फिर भी उन्हें नॉट आउट दिया गया। भारत ने रिव्यू गवा दिया था और ऐसा लग रहा था कि मानो अंपायर और थर्ड अंपायर दोनों मिलकर ना साउथ अफ्रीकी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत की हार के बाद द्रविड़ ने उसी मुद्दे पर सवाल उठा दिए हैं और अपने बयान में सबको चौंका कर रख दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत की हार पर अफ्रीकी टीम पर बेईमानी के इल्जाम लगाकर उन्होंने कहा, मानता हूं कि इस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन बेहद ही बद से बदतर हो चुका था। टेस्ट मैचेस में हम ऐसा खेलेंगे सोचा नहीं था, खासतौर पर हमारे बल्लेबाजों की बल्लेबाजी इतनी ज्यादा खराब थी कि मुझे खुद शर्म आ रही है उनके आंकड़े बताते हुए सुनते हुए। हमें अपनी गलतियों पर काम करना होगा वरना इस कदर तो हम दूसरे मुकाबले को हार कर इस सीरीज से भी हाथ धो बैठेंगे इस बात में कोई शक नहीं। परंतु मुझे ये भी लगता है कि जब हमारे गेंदबाज साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे तो अंपायर से जानबूझ कर ना साउथ अफ्रीका की टीम का जाने या अनजाने में साथ दे ही रहे थे। जैसे कि प्रसिद्ध कृष्णा का डीन एल्गर को आउट कर देना, स्टिकोमीटर में आना कि बल्ले पर गेंद लगी है उसके बावजूद भी थर्ड अंपायर का आउट ना देना, हमें इस मुकाबले में ले डूबा है क्योंकि सबसे ज्यादा रन तो डीन एल्गर ने ही बनाए। मुकाबला तो 1-2 रन से भी हारा और जीता जा सकता है, वहां तो फिर भी अंपायर्स की भूल हमें इतने ज्यादा रन पड़वा गई। खैर अब इस पर कोई बात नहीं करेगा क्योंकि नतीजा यही है कि भारत हारा है। हमें अपने ऊपर काम करना होगा ताकि ऐसे फैसलों से भी बचकर हम आगे चलकर जीत दर्ज कर पाए। दोस्तों भारत की हार पर द्रविड़ भी गुस्सा तो है ही लेकिन ये जो बेईमानी का सवाल है वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल बनकर ही रह जाएगा। क्या वाकई में भारत के साथ बेईमानी हुई है और अगर हुई है तो अंपायर को क्या सजा देनी चाहिए, नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।